अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 न्यू बुक से आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 से। देन इसके बाद फिर हम मजीद चैप्टर्स को इस 6 के बाद डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जो 9 के स्टूडेंट स्पेशल और जो 9 पढ़ाना चाहते हैं या जो उनका कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुफीद है ये वीडियो। और देन इसके बाद जो भी वीडियोज आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले आपके जो कह रहा है आप सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1/4x = 5। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे दोबारा। अब क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद आपको दिख रहा है कि 1/4x = 5 है, और आपको यहां से x फाइंड करना है। तो 4 जो है लेफ्ट साइड पर, ये डिवाइड फॉर्म में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो आप जानते हो ये 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि जब कभी भी कोई भी नंबर को हम हटाते हैं तो वो अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा ऑपरेटर के लिहाज से। तो यहां पर 4 डिवाइड में है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इस तरह 5 × 4 कितना होता है, 20, यानी कि x = 20 हमारा आंसर है। ठीक है, आप सेट बना लेना, चूंकि छोटे छोटे सवाल है एमसीक्यू टाइप, इसलिए फिलहाल मैं अभी यहां पर सेट नहीं बना रहा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो हेंस द सोल्यूशन सेट इज 20। सिमिलरली इसका पार्ट 2 है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। सेम थिंग, 4 यहां पर डिवाइड में है लेफ्ट साइड पर, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये -3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। और अब जानते हो कि 4 × 3 कितना होता है, 12। तो इस तरह आपका x किसके बराबर हो गया, -12 के। ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज -12। आप पहले क्वेश्चन में भी बनाओ। ठीक है, पार्ट 3, -5 = -x/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, और अगर बोथ साइड सेम चीज होता है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि बोथ साइड माइनस साइन है, तो ये माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे, कैंसिल। और उसके बाद 6 डिवाइड में सिंबल, जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें x को अलग करना है। तो 6 × 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 30, यानी कि x = 30। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, हेंस द सॉल्यूशन दैट इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका पार्ट 4 है। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करोगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करोगे, सिमिलरली माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 आपका डिवाइड में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो 8 × 5 आपके पास क्या होता है, 40। तो इस तरह हम लिखेंगे कि x हमारा किसके बराबर है, 40 के। और फिर यहां पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सेट बना दोगे, यानी कि सॉल्यूशन सेट में आपके पास कौन सा नंबर है, 40 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, y − 2/5 = −1/3। सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन को कॉपी करो, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया। एक बार आप क्या करिएगा, पहले इसी क्वेश्चन को सेम कॉपी करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहां पर कि −2/5 है, जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसको हम सबसे अलग रखते हैं। तो जाहिर से बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस −2/5 को हटाएंगे यहां से। तो ये −2/5, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, +2/5। ठीक है, और जैसे इसको आप राइट साइड पर लाते हो तो आपको दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन ऐड और सब्ट्रैक हो रहे हैं। इट मींस के जब कभी भी फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है।
जब डिनोमिनेटर इन दोनों का चेंज होगा तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और आपस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 5 × 1 कितना होता है 5, चूंकि -1 इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस का 5, और इसी तरह 3 × 2 आपके पास क्या होगा 6। अब 6 − 5 कितना होता है आपके पास 1/15, इट मीन्स हेंस द सॉल्यूशन सेट इज 1/15। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 6 से सेम सवाल, सबसे पहले आप सॉल्यूशन के बाद क्या करोगे, जिस तरह क्वेश्चन को कॉपी करोगे, और क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद आपको दिख रहा है कि -3/5 जो है लेफ्ट साइड पर है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 3/5। अगेन आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर चेंज है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले आप दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर आप क्या करवाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, और 2 × 3 कितना होता है 6, और 6 + 5 आपके पास कितना हो जाएगा 11। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, तो लाजमी सी बात है जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो पहले से डिवाइड कौन हो रहा है 10, तो जाहिर सी बात ये 2 जो है 10 से जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो y = 11/20 ये हमारा आंसर होगा। इसका आप क्या बना दोगे, सेट बना दोगे। पार्ट 7, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कॉपी करोगे। अब देखिए, जब कभी भी फ्रैक्शन के बिटवीन में प्लस या फिर माइनस साइन होता है तो हम पहले एलसीएम लेते हैं। अब यहां पर इज इक्वल टू साइन है, तो जब कभी भी फ्रैक्शन के बिटवीन में इक्वल टू साइन होगा तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 जाके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा इससे 2x − 4 से, और 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 5x − 12 से। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, यानी कि ये 4 2x से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 5, तो 4 × 2 = 8, और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, इसी तरह 5 × 5 कितना होगा 25, और 5 × 12 कितना होता है आपके पास 60। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये प्लस का 25x, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 25x, ये −16 को जो आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा +16, और −60 आपका पहले से रहेगा। अब आप ऐड सबट्रैक्ट करो, 8 − 25 होता है −17x, और −44। सिमिलरली −17 × में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और आप चेक कर ले कि 44 और 17 कैंसिल हो रहा है, आपको दिखेगा कि नहीं कैंसिल हो रहा, तो यही हमारा क्या होगा फिर आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन सेट इज 44/17। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 8 3x / 5 + 7 = 2x + 3। यहां पर दो तरीके से कर सकते हो आप, कि आप पहले लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लो यानी कि इसका, या फिर आप सबसे पहले क्या करो कांस्टेंट को हटाओ, वेरिएबल को एक तरफ कर लो। तो प्लस का 7 को मैं क्या किया राइट साइड पर ले गया तो क्या हो जाएगा −7, और 2x/3 को मैं क्या किया लेफ्ट साइड पर लेके आ गया तो क्या हो गया −2x/3। अब चूंकि फ्रैक्शन के बिटवीन में सब्ट्रैक्ट का साइन है तो हम एलसीएम लेंगे, एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखे 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, और 5 × 2 आपके पास क्या हो जाएगा 10x, फिर 9x − 10x आपके पास कितना होता है माइनस का x, और 15 यहां पर डिवाइड में उस पर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 × 15 आपके पास कितना हो जाता है 105, तो माइनस से माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल, तो इस तरह जो आपका x है वो किसके बराबर हो गया 105 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 3x/5 + 7 = 2x/3 + 4x/5। सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब चूंकि दोनों ही साइड एलसीएम है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, सबसे पहले बोथ साइड एलसीएम लूंगा। अब आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पर क्या है आपके पास 7 है, तो 7 की जगह कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, तो इट मीन्स के अगेन डिनोमिनेटर चेंज है बोथ साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी,
तो सबसे पहले एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 5 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 5 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा 35। इसी तरह राइट साइड पर 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 15, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 10x और 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12x। अब इसको एड सब्ट्रैक्ट करें, 3x प्लस 35 तो ऐड नहीं होगा। और एक चीज और, जिससे यहां पर 5 वन द 5 और 5 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है, और 10x प्लस 12x अब इसको आप ऐड कर लें तो आपके बन जाएगा 22x। तो क्या बचा, 3x प्लस 35 बाय 1 इक्वल टू 22x बाय 3। अब देखिए फ्रैक्शन के बिटवीन में इक्वल टू साइन है, और जब कभी भी फ्रैक्शन के बिटवीन में इक्वल टू साइन होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने यहां पर क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 3x प्लस 35 से और 1 को मल्टीप्लाई करवाया 22x से। अब बारी है 3 को मल्टीप्लाई करवाने की, ब्रैकेट ओपन करने के, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9x और 3 मल्टीप्लाई 35 कितना होता है 105, ठीक है। अब आप वेरिएबल को एक तरफ करो, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ करो, तो प्लस का 105 जब राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का 105, प्लस का 22x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 22x। अब 9x में से 22x को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 13x, माइनस 13 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो 1 माइनस से माइनस आपका क्या होगा कैंसिल। और अब चेक कर लो कि अगर 105 और 13 कैंसिल हो रहा है, चूंकि नहीं हो रहा इसलिए 105 बाय 13 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हेंस द सॉल्यूशन सेट इज 105 बाय 13। नेक्स्ट पार्ट 10 है हमारे पास। अगेन आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन के बिटवीन में नेगेटिव साइन है, और जब कभी भी फ्रैक्शन के बिटवीन में नेगेटिव साइन होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों डिनोमीटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, चूंकि डिनोमीटर चेंज है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको दिख रहा है कि 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, और फिर x माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया और इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब बारी ब्रैकेट ओपन करने की। अच्छा यहां पर देखें 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 डिवाइड में, राइट साइड पर जाके क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जब कभी भी कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो खुद भी 0 हो जाता है। बाकी आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे ऊपर, तो 6x और 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 18, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8x, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 20। 6x माइनस 8x कितना होगा माइनस का 2x, माइनस 18 प्लस 20 कितना होगा आपके पास प्लस का 2। अब आपको यहां से x को अलग करना है तो प्लस का 2, उस तरफ जाएगा क्या होगा माइनस का 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा बन जाएगा डिवाइड में। अच्छा मैंने यहाँ पर पहले ही माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, आपकी मर्जी, आप पहले भी कैंसिल कर सकते हो और बाद में भी। तो 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपके 1 के, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाई 3 और यहां पर क्या है 5 मल्टीप्लाई 2, और चूंकि बिटवीन में इक्वल टू साइन है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा पहले मैंने कैंसिल करके शो करवा दिया, अब आप यहां पर क्या कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 14 और 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 7 होता है 21 और 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 12। अब वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ, यानी 21x जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो माइनस का 21x, माइनस 8 जब राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। तो 14 माइनस 21x कितना होता है माइनस का 7, माइनस 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, चूंकि ये कैंसिल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हम माइनस साइन को जस्ट ऊपर लिख देंगे, ठीक है। माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि हम माइनस साइन को न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सेम तकरीबन क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहां पर आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। तो देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, हम 1 लिख सकते हैं राइट साइड पर। तो सबसे पहले 15 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 15, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 7x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 7x माइनस 3, और 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 30। अब एड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 33, और ये 5 3 या 15,
और 5 मल्टीप्लाई टू कितना होता है 10, तो आपके पास क्या बनेगा 3x माइनस 2 बाय 2 इक्वल टू 7x माइनस 33 बाय 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9x और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6। सिमिलरली आप राइट साइड पे क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे। ठीक है, अब आपको वेरिएबल को एक तरफ करना है, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ करना है। ठीक है, तो 9x माइनस 4x सिमिलरली 6 माइनस 66 और 9 में से जब 14 को माइनस करोगे तो माइनस का 5x, 6 माइनस 66 कितना होगा माइनस का 60, माइनस 5 मल्टीप्लाई में राइट साइड पे जाए क्या होगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मजीद 60 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 12, तो इसका आंसर क्या हो गया, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज 12। अब बिल्कुल सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप देखें 4 मल्टीप्लाई 2 और यहां पर क्या होगा फिर 4 मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल कर दिया और फिर मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मैं आपको पहले काफी समझा चुका इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब वेरिएबल को एक तरफ करा हमने, कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ किया, अब एड सबट्रैक्ट करने के बाद माइनस 12 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाया क्या होगा डिवाइड में, और इस तरह कैंसिल करने के बाद जिसका आंसर आया वो क्या आया माइनस का 5/4। पार्ट 14 इसका 1/4x प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1/2x। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहां पर इस x के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, सिमिलरली 3 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को एड सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 1 = 4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 = 1 और 4 मल्टीप्लाई, जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x। सिमिलरली 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा माइनस का 6, 1 × 1 क्या रहेगा आपके पास 1x और डिवाइड बाय 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 5x, तो बेसिक सिंप्लीफाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, तो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 5x से, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 12 और प्लस प्लस 2x। ठीक है, ये प्लस का 2x है, लेफ्ट साइड पर क्या होगा माइनस का 2x और 5x माइनस 2x कितना होता है 3x, 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, और 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है आपका माइनस 4। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का 1/3 प्लस 2m, सिमिलरली आपको दिख रहा है कि एलसीएम है बोथ साइड, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर चेंज है, तो इट मींस के सबसे पहले आप एलसीएम लो, 3 × 1 = 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 = 3 × 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6। सिमिलरली राइट साइड पे हम क्या करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × m = 2m और 3 × 1 = 3। अब आपकी कैंसिल नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 जाके आपका इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ब्रैकेट ओपन करना है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 से भी, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 6 कितना होता है 12m। सिमिलरली 3 × 2 कितना होगा 6m, 3 × 3 कितना हो गया 9। अब m को एक तरफ करो, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ, तो 12m माइनस 6m के ऊपर प्लस का 6m है, जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6m और प्लस का 2 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2। 12 माइनस 6 कितना होता है 6m इक्वल टू माइनस 11, 6 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो इस तरह हेंस द सॉल्यूशन सेट इज −11/6। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।